आज एक पर्टिकुलर आपने बिजनेस प्लान देखा, डिसीजन आपको लेना है और जिंदगी में कामयाब होना है तो ही आपको भी होना है, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे ही को खाना पड़ेगा, दूसरे ने खाया तो मेरा पेट भर गया, ये नहीं हो सकता। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि ये बिजनेस क्यों, कहां से शुरुआत होती है, किस चीज को ज्यादा फोकस करना चाहिए, बाकी काम फिर धीरे धीरे होता चला जाएगा। तो वही चीज मैं आपके सामने रखूंगा और एक प्रेजेंटेशन से ही रखूंगा, बहुत ही शॉर्ट में रहेगा सब कुछ। द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग, ये मैं जब से इस बिजनेस में आया हूं तब से मैं ये इस बात को सुन रहा हूं, गिविंग इज लिविंग या लिविंग इज गिविंग। आप जब तक दूसरों को नहीं दोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जिंदगी क्या है। और हमारा ये बिजनेस ही है, जब तक हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, उनका ग्रोथ नहीं करवाएंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट, जो राइट क्वाड्रेंट में लोग होते हैं वो यही करते हैं, वो अपने एम्प्लॉय के लिए अच्छा सोचते हैं, उनको अच्छा देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनका ग्रोथ होता है। और विंसन चर्चिल के एक बहुत अच्छी बात, वी मेक ए लिविंग बाई वॉट वी गेट, ये हमारी लिविंग होती है, बट वी मेक ए लाइफ बाई वॉट वी गिव, यहाँ से हमारी लाइफ स्टाइल स्टार्ट होती है, हमारी लाइफ होती है जिंदगी। जिंदा रहना तो बहुत लोग रहते हैं, बट जो लाइफ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये हमेशा रखिएगा, इस बिजनेस की बेस्ट पार्ट है, अगर आप आते हैं तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई चाहेगा कि आप आगे बढ़े, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे उसके अपलाइन में, वो सारे लोग सपोर्ट करेंगे जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में। और यही काम आपको भी आगे करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों के लिए अच्छा सोचना है, तो आपका भी ग्रोथ होगा, अच्छा ही होगा। और इसीलिए जब भी आप इस बिजनेस में स्टार्ट करेंगे तो एक बात जरूर आएगा, सेट योर गोल, आपका गोल क्या है, आप क्यों आए, आप करना क्या चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं। तो उसी को हम लॉजिस्टिकली एक सामने आपके सामने रखते हैं, दिस इज द सिस्टम ट्रेनिंग। और जब भी हमारे गोल की बात होती है तो उसका एक लॉजिक है, एक थ्योरी है, उस थ्योरी को समझना जरूरी है कि गोल सेटिंग होता कैसे है, गोल सेटिंग की थ्योरी क्या है। सबसे पहला पिन लेवल, आप जिस पिन पे जाना चाहते हैं वो पिन आपका क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक डेट मार्क कर देना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, तो ही आप उसको कर सकते हैं, वो पिन लेवल हो चाहे वो आपके ड्रीम हो। कभी कभी कुछ लोग करते हैं कि जो पहला ही ड्रीम होता है, क्या करना चाहते हो, अभी मोटरसाइकिल पे है और पहला ही ड्रीम हो गया कि मुझे फरारी लेना है या मुझे मर्सिडीज लेना है, वो स्पेसिफिक मतलब वो ड्रीम क्या जानते हैं, वो दिखाई नहीं पड़, वो बियॉन्ड साइट हो गया। तो बियॉन्ड रीच होना चाहिए, जहां तक आपका रीच है उसका थोड़ा सा आगे। अगर मैं 6% पे हूं तो 9% के सपने देखूं, 9% में हूं तो इसके छोटे छोटे गोल बना के आप एक बहुत बड़ा टारगेट को जीत सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि वो क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और अटेनेबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कर लेंगे तो गारंटेड वो चीज मिलेगा नहीं और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हमेशा वो चीज करिए जो अटेनेबल हो, मेजरेबल हो और अचीवेबल हो। तो हमेशा इसके लिए अपलाइन से बात करते रहिए। सेकेंड थ्योरी आ जाता है कि अलाइन रिवॉर्ड विद रिजल्ट्स। जब भी आप अपना कोई भी गोल सेट करते हैं और वो आपको अचीव होता है तो आप कोई ना कोई उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, उसको अलाइन करिए उन रिवॉर्डों से। हाँ, कि अगर सपोज आप देखते हैं कि प्लैटिनम जाना है तो ऑब्वियसली आपको गोवा का एक बेहतरीन ट्रिप मिलेगा, फाउंडर जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज है जो आप उसको अलाइन कर सकते हैं, उन रिवॉर्डों को कभी मत भूलिए। जो इस बिजनेस में है, जो नॉन कैश अवार्ड्स है, वो रिकग्निशन हो सकता है, मनी हो सकता है, ट्रिप्स हो सकता है, ये तमाम चीजें उनको जरूर साथ में देखते रहिए। केवल आप पिन मत देखिए, उन पिन से और क्या क्या मिलेगा वो भी देखिए, जरूर देखिए, तभी आपका वो गोल सेटिंग पूरा होगा। चैलेंजेस जो आपको आएगा ही आएगा, जब आप गोल सेट करने जाएं तो ये मान के चलिए जब आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और रेडी टू फेस, उसको फेस करने के लिए इसमें दो चैलेंज आता है, एक इनर एंड आउटर। जो आउटर चैलेंज होता है वो बाहर के लोग होते हैं, खास करके आपके जानने वाले ही लोग होते हैं, जो मुंह से तो बोलते हैं कि आप कामयाब हो बट शायद दिल से नहीं चाहते हैं, और वो आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम गलत आ गए, गलत जगह पे चले यारो, मत करो। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो फेल हो गए, वो हर तरीके से जिंदगी में कौन कामयाब होगा और कौन नहीं होगा किसी को नहीं मालूम, तो दूसरा आदमी कैसे बता सकता है, हम अपने आप को नहीं बता सकते, बस हम लोग बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं और उसी से हमें अपना रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट उससे भी जो डेंजरस होता है
दैट इज इनर चैलेंजेस, ये हमें रोकता है। बाहर वाले तो हमें नहीं रोक सकते, इसे तो हम अवॉइड कर सकते हैं, इनकी बात हम नहीं सुनेंगे, मान नहीं सकते, किसी ने कुछ कहा जाके अप्लायंस मिलेगा वो तुरंत उस चीज को खत्म कर देंगे। बट जो इनर चैलेंजेस हैं, जो डाउट्स हैं हमारे मन में, क्या मुझसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, कुछ मैंने ज्यादा तो नहीं सोच लिया, मुझे लगता मैंने कुछ बड़ा सोच लिया, शायद ये मेरे लिए नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मैं मेरे लिए नहीं, मेरा सपना छोटा ही है, मैं ये तमाम तरीके की जो इनर नेगेटिविटी आती है वो डेंजरस होती है। और उसी के लिए हमारा ये सिस्टम बना हुआ है, हमारे अपलाइन से जो आपको क्लियर कर देंगे। इसलिए हमेशा जो चैलेंजेस जब भी आए, आप अपने अपलाइन के साथ इंटैक्ट रहिए, वो आपको इस चीज से बाहर निकाल देगा। कमिटमेंट, अगर आप अपने गोल को सेट करने जा रहे हैं तो कमिटमेंट इज मस्ट, करना है तो फिर करना है, और कमिटमेंट तभी आप पूरा कर सकते हैं जब आपका प्रायोरिटी सेट हो। केवल गोल लिख देने से सब कुछ नहीं होगा, ये तमाम चीजें आपको और भी लिखना पड़ेगा, अपने प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी योर गॉड, योर फैमिली, एनी इमरजेंसी। सेकंड प्रायोरिटी जहां से आपकी इनकम आ रही है, लिविंग चल रही है। एंड थर्ड में आप इम्बिगो ले आइए, उसके बाद एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, जो भी रखना रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें, चैलेंजेस एक साथ आपके सामने आएंगे, दोनों चीजें। तो आपको केवल अपने प्रायोरिटी को चेक करना है, जो ऊपर है उसको करिए, और इसी से आपका कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाता है, इसी से कमिटमेंट स्ट्रांग होता है। हाँ, और बड़े चैलेंजेस कि कुछ हो गया, ऐसी हैपनिंग हो गई लाइफ में, या कुछ मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं आ नहीं पाया, ऐसे बहुत कम होते हैं, वंस इन अ ब्लू मून बहुत कम होते हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस होते हैं जो हम लोग को रोकते हैं, कमिटमेंट रहेगा तो उसमें आप ओवरकम कर जाएंगे। फीडबैक, हमेशा फीडबैक लीजिए और फीडबैक दीजिए। अगर आप अभी अभी इस बिजनेस में आए हैं, लोअर लेवल पे हैं, तो हमेशा फीडबैक लेते रहिए। हाँ, और अपलाइन का काम है, जो हम लोग का पेस मीटिंग वगैरह होता है या ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, उसमें अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि इनको फीडबैक देना चाहिए या बातें कर रहे हैं, तो आप अलग से उनको फीडबैक जरूर दीजिए। बहुत समय ये गलती करते हैं, हम लोग सुनते हैं और लोग गलत डायरेक्शन में बात करते हैं, और हम लोग उसमें कोई भी फीडबैक नहीं देते, उसमें करेक्शन नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, और हमेशा कभी कभी अपना फीडबैक भी लेना चाहिए कि मैं सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। इसीलिए मैं पहले, हमारा ये ब्रिट वॉल वर्ड था, वहां जाके अपने आप को सुधारते थे, बाद में हमारे मेंटर मिल गए, सुमित जी मिल गए, और इनसे, और ल्यूरिगन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है इसमें। तो फीडबैक लेना और फीडबैक देना, दोनों इम्पोर्टेंट है। और जो भी चीजें पॉजिटिव है वो अपलाइन से लेते जाइए, और जो भी नेगेटिव है उसको अवॉइड करते जाइए। हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज नेगेटिव आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो अपलाइन से बात कर लीजिए, वो उसको तुरंत क्लियर कर देंगे। एंड फाइनली टास्क कंप्लिसिटी, मतलब कुछ भी करके, हमें कौन सा एक्शन लेके हम अपनी मंजिल पे पहुंचे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप अपलाइन के साथ बैठेंगे, वो आपका पूरा प्लानिंग कर देंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, नहीं करना है, एंड दैट इज एक्शन प्लान। एक्शन प्लान की जब भी बात होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं, आज बहुत सारी चीजें मैं कवर नहीं करूंगा, केवल एक ही चीज करूंगा, जो पहला जिसके कारण हम लोग इस बिजनेस में आए हैं, और वो था हमारा एक्शन प्लान, हमारा ड्रीम। जब हम लोग आए इस बिजनेस में, तो उन्होंने कहा कि अपने सपनों को कहीं ना कहीं चिपका दो, उसमें डेट मार्क करो, और वो उसी चीज पे ध्यान रखते हुए मेजरेबल हो, क्लियर हो, रियलिस्टिक हो, इस तरीके से उसको बनाइए। तो आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूं जो हम लोग ने 98-99 में बनाया था, फिर उसका हुआ क्या, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जस्ट एक बिलीफ ट्रांसफर होगा कि अगर वो सब हमारे साथ कुछ हो सकता है, बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो आपके साथ भी होता है, और मैंने उसको क्या किया था। ऑब्वियसली सबके ड्रीम्स अलग होंगे, बट हमेशा ध्यान रखिए, क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए वो ड्रीम, मेजरेबल होना चाहिए और रीचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम दिखाई नहीं पड़ रहा आंखों से, और उसको हमने अपना पहला ही सपना बना के रख लिया कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, ऐसा नहीं। तो मैं वही आपको दिखा रहा हूं कि मैंने क्या बनाया था, मैं भी आपको सपोर्ट करें उसको आगे बनाने में। मैंने जो बनाया था, लेट योर ड्रीम बी योर विंग्स, यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था कि अपने सपनों को ही अपना पंख बना के मुझे उड़ना था। और ये अगर ड्रीम हमारा स्ट्रांग हो गया ना, तो जिंदगी में कोई ऑब्स्टिकल आपको रोक नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं रोक पाएगा। बट उसके पीछे पैशन होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, आपके सपनों के पीछे इमोशंस भी होने चाहिए। तो हम लोग ने यही बनाया, हमारा एक ही चीज था, हम लोग ने अपना नाम लिख के बनाया था। ये एग्जैक्टली वो पेपर नहीं जो हम लोग ने बनाया था, बट वही चीज हमने दोबारा
पावर पॉइंट पे बना लिया, वो हमारा खत्म हो चुका था, सब फटफटा गया था, पता नहीं कहाँ है नहीं है, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर घर भी शिफ्ट किए थे। ड्रीम्स आर गोइंग टू फुलफिल बिफोर माई एक्सपेक्टेशन, ये मैंने लिखा था कि हम अपने सपनों को अपने जो एक्सपेक्ट कर रहे डेट उससे पहले पूरा करूंगा, कुछ पूरे हुए पहले, कुछ उस समय हुए, कुछ बाद में भी हुए, नो इशू, देखते हैं कैसे क्या हुआ, क्या ड्रीम्स थे हमारे। तो हमने इसको तीन कैटेगरी में बांट लिया था। पहला था हमारा 3 से 4 साल में, मैंने 98 में आए थे, तो 3 से 4 साल के अंदर ये मेरे 3 मेजर ड्रीम्स थे। एक तो मेरा पासपोर्ट होना चाहिए, और केवल पासपोर्ट नहीं, उसमें वीजा स्टैम्प्स लगना चाहिए। कहाँ का लगेगा, किस कंट्री का, ये मुझे मालूम नहीं था, बट ये जानते थे कि एम्बेसी ट्रिप मिलता है, और मैंने सपना बना लिया था। पासपोर्ट जो मेरे हाथ में था वो मैंने सबसे पहला काम किया था, 98 में मैंने पासपोर्ट बनाया था, 2000 एंड में दिसंबर में हम लोग ट्रिप में गए थे, 3 साल पहले मैंने पासपोर्ट बना लिया था ऑलमोस्ट। तो ये मेरा पहला ड्रीम था, और एनी लोकेशन, एनी फॉरेन लोकेशन, क्योंकि हम लोग सुनते थे कि एलएस बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्री होता है, फॉरेन लोकेशंस में होता है, तो और दूसरा एक किसी ना किसी 5-स्टार होटल में जाके वहां पे रुकेंगे, ये सब सुनते थे, मालूम नहीं था कि कहां जाएंगे नहीं आएंगे। तो मेरा सपना भी कुछ ऐसा नहीं था, स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा था, बट एनी फॉरेन लोकेशन ये क्लियर था, और एक 5-स्टार होटल में, क्योंकि यही अपलाइन से सुनते थे कि ऐसा मिलता है। और तीसरा था कि मैटिस कार उस समय आया था, और उस समय जब एम्बेसडर फिएट और 800 के बाद एक मैटिस आया था, बड़ी खूबसूरत कार होती थी, जो कि बाद में बंद हो गया इंडिया में, डेबू कंपनी उठ गया यहाँ से, तो वो लेना था। और उसी समय वो लेने के पीछे था, एक फिल्म देखा था बंटी एंड बबली, उसमें येलो कलर का ये दिखाया गया था, और हम लोग ने भी डिसाइड किया कि येलो कार लेंगे, तब हम जॉब में थे, और हम लोग ने जाके उसको बुक भी किया येलो कार का। बट क्या हुआ आगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला सपना था हम लोग का 3 से 4 साल के अंदर। दूसरा हम लोग ने 4 से 7 साल के बीच में देखा कि अपने घर को रेनोवेट करना है, उसको 2nd फ्लोर बनाना है, केवल 1st फ्लोर था, यानी ग्राउंड फ्लोर था। डायमंड का रिकॉग्निशन चाहिए हमें, हम लोग डायमंड बनना चाहते थे 4 से 7 साल के अंदर, और फ्रीडम होना पाना चाहते थे धीरे धीरे, कि किस दिन किसी दिन बहुत पहले, क्योंकि अपलाइनों को सुनते थे कि वो लोग बहुत अच्छे जॉब थे, कुलीन देसाई को सुनते थे कि वो वाइस प्रेसिडेंट थे सिटी बैंक में, और वो आज फ्री है, तो मेरे मन में भी आता था क्यों जिंदगी भर हम जॉब करें, इसके लिए तो हम लिखा के तो आए नहीं कि होल लाइफ हमें जॉब ही करना है, तो उससे कब फ्री होंगे, उसके लिए एक इनकम भी। तो ये 3 हमारे 4 से 7 साल के लिए एक प्लानिंग किया था हम लोग ने, और 30 जो बड़े प्लानिंग थे हमारे 7 से 10 साल के अंदर, कुछ जगह जो डेस्टिनेशन हम लोग घूमना चाहते थे, हम लोग को घूमने का शौक बचपन से ही था। तो उसमें पहला था हम लोग का एक कुकुनहॉफ गार्डन था, और जो कि सिलसिला पिक्चर में भी दिखाया गया था इसको, बट हम लोग ने बचपन में ही सुना था, मेरे ग्रैंडफादर बाहर रहते थे वो उधर यूरोप साइड में, तो वो हम लोग को बचपन में ये सब सुनाते थे, प्लस फादर भी हम लोग को स्टोरी सुनाते थे। और सिलसिला पिक्चर देखने के बाद ये सपना बहुत ही स्ट्रांग हो गया था कि कभी ना कभी मौका मिले कुकुनहॉफ गार्डन जाएंगे, तब इस बिजनेस में भी नहीं थे, बट ये सपना था। दूसरा था टॉप ऑफ द यूरोप, बहुत सारे फिल्मों में देखते थे, स्विट्जरलैंड का नाम सुनते थे, टॉप ऑफ द यूरोप यानी यंगफ्राउ हमें जाना है। एक सपना और था मेडोरा डैम मिनिएचर पार्क एक एम्स्टर्डम में, ये भी हम लोग ने बचपन से, जब मुझे लगता है कि मैं 5-6 साल का था, 7 साल का होगा, तब मैंने इसके बारे में सुना था, तो उस समय फोटो वगैरह दिखाए जाते थे, कलर्ड फोटो नहीं होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाए गए थे, हमारे ग्रैंडफादर ने हम लोग को दिखाया था, फादर भी बताते थे इसके बारे में। तो ये था कि ऐसे मिनिएचर सिटी कैसे हो सकता है जहां पे हम लोग दैत्य टाइप का लगे, और उसको जाना है मुझे देखना है, तो वो सपना था एक बचपन से ही। और वेनिस सभी से सुनते थे, वेनिस, तो हम लोग का भी एक सपना जगा था कि कभी हम लोग वेनिस जाएंगे। ये हम लोग ने कुछ प्लान बनाए थे जिसमें से कुछ चीजें हमारे पहले मिले, कुछ बाद में मिले, क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको आप दिखाता हूँ कि क्या हुआ और हम लोग कैसे थे। हम लोग ऐसे थे, जब हम लोग बिजनेस में आए थे तो ऐसे थे, दुबले पतले थे दोनों ही जने, मुझे भी थी मेरी, और बहुत ही सिंपल, आज भी हम लोग सिंपल है, पहले तो और भी सिंपल थे। और उसी समय बैंक में थे जब हम लोग ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये उस समय का एक पिक्चर है। ये हमारे पास एक बजाज एफी स्कूटर हुआ करता था ग्रीन कलर का, और इसी स्कूटर से मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, मैंने कार से बिल्ड नहीं किया। और घर का भी हालत देख रहे हैं, ऐसे ही था सब चारों तरफ, और गार्डन था छोटा मोटा। तो जो भी हो, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, ये मेरे भांजे का भांजा है, ये मेरी छोटी वाली बेटी है, और इसी से हम लोग इतने छोटे थे जब हम लोग ने बिजनेस को स्टार्ट किया, इसलिए मैं आपको इस चीज को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और फिर हुआ क्या, एक के बाद एक चलते। पहला ट्रिप मिला हम लोग को बैंकॉक का, स्टैम्प भी लग गया, हमारे वीजा स्टैम्प भी लग गया, और हम लोग जो पहला फॉरेन लोकेशन जाना चाहते थे वो हम लोग को बैंकॉक का मिला। और जो
सोचते थे एक फाइव स्टार होटल में जाना चाहिए था, वो हम लोग को मिला हुआ हमारी वाटर गेट। हमारे साथ कई लोग गए थे, डॉक्टर शैलिन थे, नितेश थे, अभय सिंह जी थे और मदन लाल जी जो अब नहीं रहे, स्नेह लता जी, ये सब हमारे साथ गए थे। हम लोग पांच लोग गए थे, तो इसमें हम लोग रहे एक टॉप फ्लोर पे। इतनी ऊंची बिल्डिंग कभी देखी नहीं, बट वो सपना पूरा हुआ। तो वो सपने पूरे होते वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बैंकॉक गए, उसके बाद हम लोग आगे घूमने भी गए थे सिंगापुर और ये सब। बैंकॉक का ट्रिप है, ऐसे ही थे उस समय बहुत ही। उसके बाद था एक कार का सपना था, मैटिस और येलो कलर का कार लेना था। बट हम लोग जब ने इसको बुक कर दिया येलो कलर का, और हम लोग का एक डेट था कि 27 जुलाई छोटी वाली बच्ची का बर्थडे है, उस दिन हमें ये लेना ही लेना है, उस दिन तक आ जाए। हम लोग को 27 जुलाई को ट्रिप पे जाना था। कार लेने का मतलब ये हम लोग को लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, कार चलाना पहले से आता था। तो हम लोग जब गए, उसके पास पोस्टर मांगा, उसने कहा कि कहा गया था कि एक पोस्टर अपने घर पे चिपकाना चाहिए, एक डेट मार्क करना चाहिए। तो हमने भी वही किया, बट पोस्टर हमें लाल रंग का मिला, हमें येलो कलर का पोस्टर नहीं मिला। उसने ये लाल रंग का एक पोस्टर दे दिया और उसी को हम लोग ने चिपका दिया। हमने कहा कार तो कार है, कोई भी कलर हो, हमें तो येलो ही चाहिए क्योंकि बुकिंग भी। बट हुआ क्या, जब वो डेट करीब आता चला गया और लाल नहीं मिला, येलो कलर का नहीं मिला, तो अल्टीमेटली लाल रंग का ही गाड़ी हमारे घर। सपने पूरे होते हैं अगर मन से सोचा जाए, उसको रोज रोज देखा जाए, सही जगह पे पेस्ट किया जाए, रोज आप देखते हैं और मन से उसको मानते हैं। तो शायद हम लोग लाल रंग बार बार देख रहे थे, बार बार देख रहे थे, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जहन में कहीं ना कहीं बस गया था और वो अल्टीमेटली पूरा हुआ। लाल रंग की मैटिस है और हम लोग 27 जुलाई में, इसी की बर्थडे थी जब हम लोग एक लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और पहली बार हमने हाईवे पे गाड़ी चलाई थी। तो ये हुआ उसकी स्टोरी। अब आता है कि हम लोग का एक लगाया था, मैंने रिनोवेट करना है मकान को, डबल स्टोरी करना है। और हमारा जो मकान था ऐसा था जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये देखिए ऐसा ही था, ऐसे ही वॉल ओवर थे और स्टोरी। हम लोग दो कमरे तीन कमरे थे उसमें रहते थे हम लोग, पहले जमाने का एरियल लगा रहता था, ये सब था जो भी है। और अल्टीमेटली वो भी पूरा हुआ और धीरे धीरे हमारा डबल स्टोरी बनना स्टार्ट हो गया और करते 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 और भी ऊंचा हो गया इसके ऊपर, और अल्टीमेटली हमारा वो डबल स्टोरी भी पूरा हुआ। ये 2004 में हुआ, बट वो हुआ। और भी गाड़ियां आई नहीं है उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमने उस समय सपने लगाए थे उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद डायमंड रिकग्निशन था, इसमें थोड़ा लेट हुआ, हम 7 साल के अंदर चाह रहे थे, ये हमारा करीब 11 साल लग गए इसको पाने में। और 2009 में हम लोग डायमंड बने, बट डायमंड में भी एक था क्रांति गाला, हमारे कंट्री मिनिस्टर थे, बार बार उनको सुनते थे और उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, ये गिविंग और लिविंग ये सब बातें वो बताते थे। और मन करता था उस समय एफईडी में हैंड रेस होगा, काश क्रांति गाला जी हमारे हैंड रेस करें। बड़ी मजेदार बात हुई कि हमारा पूना में एफईडी का रिकग्निशन हुआ, उसमें क्रांति और लता गाला आए थे और उन्होंने हैंड को रेस किया। और ये देखिए मेरे फोटो में जहाँ मैं बैठा हूँ पीछे, ये ब्रिट वर्ल्डवाइड का वो ब्लैंकेट जो हमारे हाथ में है वो हमें मिला, वो हमने ये चीज यहाँ पे लगा दिया है। और एमवे ने भी इसको पेनांग में हम लोग को रिकग्नाइज किया गया, पेनांग स्टेज में एलएस में किया गया था, और वहाँ पे वो जो मिला था ब्लैंकेट वो यहाँ पे लगा हुआ पीछे। और ये कंकन सुमना भट्टाचार्य आए थे यूएसए से, लखनऊ आए थे हम लोग का हैंड रेजिंग करने के लिए। तो जो डायमंड में एक रिकग्निशन था वो मिला, और हम लोग बहुत ज्यादा कहते ना कि बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम लग रहा था कि सपनों में आ गए। ये एक ऐसा समय था हम लोग के लिए। तो ये भी पूरा हुआ, थोड़ा लेट हुआ बट पूरा हुआ। इसके बाद आता है ये चार जगह जो हमने उस समय सपनों में लगाया था। सबसे पहले आते कुकनम गार्डन, ट्यूलिप गार्डन, और अल्टीमेटली एक बार हम लोग बहुत जल्दी वहीं पे पहुंच गए, उसी कुकनम गार्डन में पहुंच गए हम लोग, जो कि एम्स्टर्डम में है। हम लोग घूमने गए, गार्डन का मुझे हमेशा ही शौक रहा। और लास्ट मतलब फ्लावर का लास्ट सीजन चल रहा था, हम लोग अप्रैल में पहुंचे थे और वहां पे पहुंचे वहां पे। एनीवे हम लोग को घूमे और वहां पे वो ट्यूलिप्स वगैरह, लिलियम वगैरह, वो सारी चीजें देखे। यानी यहां पे भी सपने पूरे हुए, थोड़ा लेट हुआ जरूर बट हुआ पूरा। इसके बाद टॉप ऑफ द यूरोप जंगफ्राउ हम लोग जाना चाहते थे, और सपना देखिए कहाँ से शुरू हुआ। हम लोग पहुंच गए पहले ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिक पहुंच गए पहले, जाना चाहते थे सपने वहां, बट पहले पहुंचे ज्यूरिक। और पीछे जो ये पहाड़ी दिख रही है यहीं पे वो चीज बसा हुआ है। फिर अल्टीमेटली वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ और हम लोग एमवे कॉर्पोरेशन हम लोग को ले गए, फिर ट्रेन में बैठाया और ट्रेन में बैठ के हम लोग को वहीं पे ले गए। पहली बार इतनी स्नोफॉल देखा, कुछ कहने का नहीं, खूब व्यू किया। और अल्टीमेटली
टॉप ऑफ द यूरोप हम लोग वहां पे पहुंच गए जंगफ्राउ में, और एक बोनस में साथ में मिला उतर के आके। फिर नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए माउंट टिटलिस, ये भी बहुत खूबसूरत, यहाँ पे रोप वे से ले जाते हैं। तो वो दोनों जगह हम लोग ने देखा, यानी कुल मिला के ठीक है जो डेट दिया था उसके बाद हुआ, बट हुआ, सपने पूरे होते हैं। फिर हम लोग ने लगाया था मेडुरा डैम, मिनिएचर पार्क, एम्स्टर्डम, ये हम लोग का बहुत बड़ा सपना था, मेरा तो बचपन का सपना था ये, और अल्टीमेटली ये भी पूरा हुआ। एक दिन हम लोग यहाँ पे भी पहुंच गए, बहुत जबरदस्त जगह थी, सब कुछ मिनिएचर था और अपने आप को बहुत बड़ा सा ह्यूज सा लग रहा था, इसमें दैत्य टाइप का लग रहा था, बड़ा अजीबोगरीब, इतना परफेक्ट बना हुआ था हर चीज कि अगर हम लोग अपनी तस्वीर को हटा दे तो आप कहेंगे इट्स रियल, इतनी रियलिस्टिक है यहाँ पे। तो बहुत जबरदस्त सब कुछ था वहाँ पे, एक एक चीज बना हुआ था, एक पूरी टाउनशिप दिखाया गया था जो वहाँ पे बनी हुई थी। और फिर वेनिस का बात आता है, और एक टाइम आया जब हम लोग एक डायमंड ट्रिप में वेनिस भी पहुंच गया। देखिए अगर ये फोटो आप मिला है तो ये वही का फोटो है, ये उसी जगह का फोटो है जो हमने लिया है। तो हम लोग अल्टीमेटली वेनिस भी पहुंचे, गंडोला में भी चढ़े, और अमिताभ बच्चन के ग्रेट गैम्बलर वाला गाना भी गाए, उसको लेके गए थे मोबाइल में, बजाया भी, खूब मजा लिया हमने। बहुत ठंड थी उस दिन वहाँ पे, और इटली की जो पिज्जा होता है वो भी हम लोग वहाँ पे खाए, पहली बार टेस्ट किया। और वाकई में ये आपको बैगन वगैरह इसमें दिख रहा होगा, इट्स ए वेज पिज्जा, बट बहुत टेस्टी। आप लोग कभी भी इटली जाए तो इटली की ही पिज्जा खाए, वहाँ पे डोमिनोज या ये बाहर की मैगन वगैरह यहाँ पे नहीं मिलते, वहाँ पे जो भी है वहाँ के उनके अपने। तो बहुत बड़े थीन क्रस्ट में है, मोटे में है, हर टाइप के मिलते हैं। तो ये हम लोग ने खाए को भी एंजॉय किया, और अब हम लोग एक दोबारा फिर से अपने ड्रीम को बिल्ड कर रहे हैं। ये वर्जन 3 आ गया, और इस बार हम लोग ने ये तय किया इसमें कुछ शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग मिड टर्म भी है, और लॉन्ग टर्म भी है जो जैसे पहले बनाया था। और इसके पीछे जो हम लोग ने लॉजिक रखा, शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि हम लोग कर सकते हैं अभी, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम लोग ने कुछ ऐसा लिया, कुछ नए लेक से उनको बिल्ड करके उससे जो एक्स्ट्रा इनकम आएगा उससे हम लोग पूरा करेंगे इसको। तो इस तरीके से हम लोग ने इन सपनों को बनाया। तो ये बहुत बढ़िया, इसमें नंदिनी की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने और हम दोनों ने सपनों को बनाया। देखा बस इसी के साथ, थैंक्स आप लोग को, और यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। होपफुली काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको कि एग्जैक्टली कैसे हम ड्रीम को बिल्ड करें, कैसे करना चाहिए। ये दिखाने के पीछे ये नहीं था कि हमने क्या अचीव किया, ये दिखाने के पीछे एक ही मकसद था कि आप भी कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं, इतने सिंपल लोग, मैंने इसीलिए पहले अपना तस्वीर दिखा दिया था, उस समय अगर हमें कोई देखता तो कहते अरे ये कहाँ से कर पाएगा, लैंगी पैंकी स्पोर्ट्समैन थे तो वैसे ही फिगर भी थी, और ना सूट पहने थे कभी जिंदगी में, ना कुछ पहने थे। तो शुरू शुरू में सूट पहनते थे तो अपने आप को बड़ा ऑड लगता था, हाँ लगता था कि हर आदमी मुझे देख के हंस रहा है, ये था सेल्फ इमेज डाउन था। बस उसी के बीच में, क्योंकि लखनऊ में कोई और था नहीं जो मुझे बताए, मुझे समझाए,
उसी के बीच में करते 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 बहुत सारे लोग हमारे साथ आते चले गए और हो हा करते 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 हम लोग ने इतना बड़ा एक बिजनेस को क्रिएट कर दिया। ठीक, तो हम अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बट टू द सिस्टम। और हमेशा हमें ध्यान रखिएगा, लिविंग इज गिविंग, ये बहुत जबरदस्त चीज है। और जब तक जिंदगी में आप दूसरों को देने के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक वो लाइफ आपको नहीं मिलेगा। एक स्टोरी जो मैंने अभी लास्ट नाइट हॉल में सुनाया था, वो स्टोरी से ही सुना के मैं इसको एंड करूंगा यहाँ पे, गिविंग इज लिविंग के ऊपर। इट्स अ रियल स्टोरी, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक नाइजीरियन बिलियनर था, उसका नाम था फेमी ओटेडोला, और वो वहां का बिलियनर था नाइजीरियन का। और उनसे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें टेलीफोन इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपके लाइफ का जो हैप्पीएस्ट पल है वो क्या है और कैसे उसको आपने एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने उसके जवाब दिया कि मेरे लाइफ में चार पड़ाव आए, चार स्टेजेस आए हैप्पी लाइफ के लिए, और अल्टीमेटली फिर वो चीज मुझे मिला। जो पहला स्टेज था कि बहुत सारा धन मैंने इकट्ठा किया, वेल्थ एंड मींस, बहुत कुछ किया, खरीदा, ये किया, और मुझे लगा कि शायद इससे मुझे हैप्पी मिले, हैप्पीनेस मिले, बट वो चीज नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो हैप्पीनेस मुझे उससे नहीं मिली। और फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आया, बहुत सारे वैल्यूएबल्स एंड आइटम्स, एक से एक कारें खरीदी, ये खरीदा, तमाम चीजें खरीदा, बट उसने भी मुझे वो हैप्पीनेस नहीं दिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया थोड़े दिन में कि इनका जो ग्लो है, जो चमक है, वो थोड़ी दिन के लिए है, ये चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, ये आपके साथ कभी नहीं रहेगा जिस तरीके से वो आज आप उसको देख रहे हैं। तीसरा जो मेरे पास एक स्टेज आया, थर्ड स्टेज, एक बिग प्रोजेक्ट मुझे मिला, और एक लार्जेस्ट वेसल, जो जहाज होता है, तेलवाही जहाज होते वेसल्स, उसका ओनर मैं बना, और ऑलमोस्ट 95% डीजल सप्लाई नाइजीरिया एंड अफ्रीका में मैं करने लगा। तो मुझे लगा शायद मुझे इससे खुशियां मिलेगी, बट वही चीज है, जब उनसे मैं दूर हटता था तो वो मुझे चीजें याद मुझे नहीं करती थी। और जो चौथा स्टेज आया, जहां से मुझ में चेंज आया, एक फ्रेंड आया मेरे घर एक दिन, और उसने कहा कि कुछ बच्चे हैं जो मेंटली उनको व्हील डिसेबल्ड बच्चे हैं जो जिनको व्हील चेयर चाहिए, और मैं चाहता हूँ इसको तुम डोनेट करो उनको। तो उसने कहा ठीक है, कितने? उसने कहा 200। तो कह ठीक, पैसे वाला आदमी था, तो उन्होंने 200 व्हील चेयर तुरंत ऑर्डर दिया और उनको बनाया बच्चों के लिए। जब वो बन गए, उसने कहा कि आके तुम ले जाओ, तो उसने फिर फ्रेंड ने उसके जिद किया कि नहीं तुम चलो और अपने हाथों से इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो वो उसके दोस्त थे, उसके बातों पे चला गए वहां पे, और उसने अपने हाथों से एक एक बच्चों को उस व्हील चेयर को डोनेट किया। जब डोनेट किया और वहां पे वो वेट कर रहा था, तो देख रहा था कि बच्चे जो है इतने खुश थे, बड़ा स्ट्रेंज ग्लो था उनके आंखों में, वो इधर चला रहे, उधर भाग रहे, एकदम जैसे कोई पिकनिक हो रहा, उसको सेलिब्रेट कर रहे, जैसे बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हो गया उन बच्चों में, और वो उस व्हील चेयर को उसमें उन लोग सेलिब्रेट करने लगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि एक जैकपॉट लग गया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और रियल जॉय मैंने जिंदगी में अपने अंदर पाया। फिर टाइम हुआ, मुझे लगा कि अब मुझे जाना चाहिए, और मैं उठा और जाने लगा। जैसे ही मैं कदम बढ़ाने की कोशिश किया, तो देखा मेरा पैर किसी ने कस के पकड़ा हुआ है। तो देखा एक बच्चा व्हील चेयर में है जिसने मेरे पैर को कस के पकड़ा हुआ। तो मैंने थोड़ी झुक के ताकत लगाई तो नहीं छोड़ा है, तो मैंने झुका और झुक के उस बच्चे से बात की कि क्या बेटा तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तो बेटे ने जो रिप्लाई किया वो मेरी जिंदगी का हैप्पीएस्ट लाइफ बना। उस दिन से मुझे समझ में आया व्हाट इज हैप्पीएस्ट लाइफ। हम लोग कहां में ढूंढ रहे जिंदगी में खुशियां, और ये खुशियां है कहां? उस बच्चे ने कहा मुझे कि नहीं, मुझे केवल आपका चेहरा देखना है और उसे याद रखना है कि जब हम हेवन में जाए तो मैं आपको दोबारा थैंक्स दे सकूं। तो वो जिंदगी में उनको वो हैप्पीनेस मिली, उसने उस चीज को समझा वहां पे। तो ये दिस इज द स्टोरी। और जिंदगी में आप क्या करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सवाल ये है कि जहां से हम निकलते हैं, जिस ऑफिस से या जिस दफ्तर से, ये क्या वहां पे कोई याद करता है हमें? सवाल इस बात का है। तो जिंदगी में जब भी हम किस जगह पे छोड़ के आए, वहां कोई तो याद करे। कहीं पे अगर जाते हैं तो कोई ये तो किसी के मन में हो कि ये कुछ देर और रुके, मेरा प्रेजेंस उनको अच्छा लगे। दिस इज गिविंग इज लिविंग।
तो दिस इज अवर बिजनेस और इस बिजनेस में यही हम लोग ने कमाया। आज जो लोग हमारे सो कॉल्ड हमारे रिलेटिव्स ये वो तो पता नहीं कहाँ चले गए दोस्त लोग, बट इस बिजनेस से हम लोग ने एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, एक दोस्त, एक फ्रेंड्स, सब कुछ कमाया। और जहाँ पे हर आदमी एक दूसरे के लिए अच्छा सोचता है और सोचता है कि वो मेरे साथ रहे हमेशा, उसकी प्रेजेंस रहे, उससे बातें करें, दिस इज द रियलिस्टिक, जिसकी चमक कभी खत्म नहीं होगा, जो लस्टर है वो कभी खत्म नहीं होगा। दिस इज द स्टोरी। आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, टाइम भी ठीक 10 बजने ही वाले हैं, हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करेंगे एंड थैंक यू।